माँ प्यो की इज्जत खराब हो। चलो फिर बाद की गल तुम देखे मैं चार दिन नृत्य मूवी चार दिन बह जा बह जा तेन आखन दे चल ठीक है नृत्य मूवी चार दिन ठीक है बदनाम ही होना तू ही होना अगर चार दिन मूवी बह सही बह मूवी चार दिन तेन आखन दे बह जा क्यों तेन बह बह जा हूं मेरे तो मूवी चार दिन सारे पिंड वेखे मुल्क वेखे साढ़े तो जड़ी होनी हो नहीं जड़ी ताती चलो बह जा इतने आ बह नहीं बहना चल बह जा नहीं बहना क्यों बह जा चल ठीक है मेरे तो मूवी चार दिन ठीक हो गया चार दिन मेरे तो मूवी बह जा तेन अपने मेरे माँ प्यो पता लग जा तो रजी ना आराम कर दिन चलो ठीक है फिर बह जा मेरे छत्ते ना खला याद करन चल मंजे बह जा नहीं बहना मंजी मैं कहता हूँ खा जा बह जा मंजी से बह जा चल ठीक हो गया मेरे तो मूवी चार दिन में ये तो ठीक है भैन नहीं करन सारा जग देखी है तुम लगे लोग चल 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 छोड़ दिया मैनू कुत्तिया तुमने क्या सोचा था भाग लोगे तुम्हारा सारा इंतजाम करके आए हैं हम लोग पकड़े जी सचो साहब इसको पकड़ो पकड़ो इसको तुमसे तो मैं थाने चल के सारी बात करती हूँ नाजरीन ये वो मुलजिम है जिसके काले करतूत इसकी जुबान से सुनवाएंगे अभी आपको बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे कि ये क्या करना चाह रहा था ऐसा एक मिनट यकूब साहब ये कुछ पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है मैंने देखा इसको अभी क्या देख रहे हो ये कुछ देख रहा था क्या देख रहे हो क्या देख रहा है इधर सर्च करो इस तरफ सर मोबाइल पड़ा है कहां दिखाएं जरा वो पड़ा है कहां दिखाइए उतारिए जरा ये तो और है इसमें मूवी बन रही है अच्छा कोई वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं यानी कि ये पहले वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा और दोबारा जब बुलाया तो फिर इसने यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर रखा था याकूब साहब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लैकमेलिंग की तरफ आता है लड़कियों को कैसे ब्लैकमेल करता है एक बार फिर से इसने यहाँ ब्लैकमेलिंग का सारा शतरंज रचा हुआ था ये फोन आप अपने पास रखिए इससे जरूर इंटरोगेट कीजिए थाने चलेंगे हाथों पकड़े गए हो ये जो तुमने नया एक ये धंधा शुरू कर दिया खवातीन की असमत दरी करना रिकॉर्डिंग करना ब्लैकमेल करना तुम खुद ही सारा कुछ बक दो मैं क्या पूछूं अब तुमसे बोलो हाँ जी मूवी खातिन को इस तरह से ब्लैकमेल करते हो पहले भी जी अच्छा कितनी को कर चुके हो दो तीन दफा कर चुके हो पहले दो तीन लड़कियों को जी एक दो दफा इसको जो पहले वीडियो बनाई वो तुमने बनाई थी जो फरहान ने बनाई थी तो अभी बना रहे थे ये मैंने बनाई क्यों बार बार काम आ समझ नहीं आई पहले भी वीडियो बनी अब फिर वीडियो बन रही थी क्या काम लेना था उस वीडियो से ये जो बार बार काम आ सके क्या काम आ सके अपनी घिनौनी नीयत खुल के बताओ तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो वैसे जो फरहान ने किस लिए मूवी बनाई मैंने इसलिए मैंने मूवी बनाई अच्छा एक फरहान ने बनाई फिर तुमने उसको देख के तुमने बना ली तुमने क्या किया इसके साथ ओ भाई मैं तुम्हारे यहाँ ये एटीट्यूड और तुम्हारे ये शक्ल देखने नहीं आई ऐसे माशर्ती भेड़िए हमारे मुल्क में हमारी सोसाइटी में दंदन आते हैं जिनकी वजह से कोई माँ कोई बाप अपनी बेटी को
शायद स्कूल कॉलेज अकेले नहीं भेजते, ऐसे लोगों की वजह से लड़कियों के ख्वाब उनकी आंखों में मर जाते हैं। बड़ी बड़ी काबिल लड़कियां हैं जो अपनी तालीम छोड़ देती हैं, उनके वालिदैन उनके आड़े, उनके भाई उनके आड़े या उनके घर वाले उनके आड़े इसीलिए आ जाते हैं कि कहीं ऐसे दरिंदों के हाथों वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। वो जब आई थी पहली दफा, तुम लोगों ने क्या कह के बुलाया था उसको? उसको नाम लिया। भाई कोई बहाना करके तो बुलाया होगा ना, कि उसको अगवा करके लाए थे घर से? नहीं, फरहान ने बुलाया था। क्या कह के? अंदर मेरी बात सुनो। ऐसे तो कोई नहीं आता बात सुनने। ऐसे उसने कहा था आगे से। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बात मुझे? तुम सबकी मिली भगत थी। तुम्हें अभी ना सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए हैं पुलिस थाने में आए हुए, अरेस्ट हुए हुए। तुम चाह रहे हो कि पुलिस रिवायती अंदाज से तुम्हारी इंटरोगेशन करे। तुम रंगे हाथों पकड़े गए और तुम्हारी डिठाई की हद है कि तुम अभी भी छुपा रहे हो सब कुछ। पुलिस इससे पहले कि रवायती तरीका इख्तियार करे, तुम खुद ही सच बोल दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दवाई लेना है इसे की। तो डॉक्टर का निसी है। उनका मुंडा सीगा फरहान। फाड़कन भी ले लिया गया। सिर्फ फरहान? हाँ जी। बाकी कोई नहीं था? उसी में नाल सी। कौन कौन था? उमर से, फैसल से। और तुम थे? मैं। ये धंधा बन गया तुम लोगों का, बिजनेस है ये? तुम्हें अंदाजा है कि अब कानून तुम्हारे साथ क्या करेगा? उस लड़की के साथ तो जो माशर्ती तौर पर तुम कर सकते थे तुमने किया। वो शादीशुदा थी, उसके ससुराल में उसको बदनाम कर दिया। ना जाने उसका खामद उसे रखेगा कि नहीं रखेगा। अब वो एक बच्चे की माँ है, उस बच्चे के सर से बाप का साया दूर होने का खतरा मंडला रहा है इस वक्त। उसके वालिदैन कहीं जी नहीं सकते, कहीं सर उठाकर रह नहीं सकते। उसके दो बहन भाई कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, खुद वो 5 वक्त की नमाजी लड़की है। तुम लोग को शर्म नहीं आई? खुदा के अजाब से नहीं डरे तुम लोग? तुम मेरा किसी के भाई हो गए, एहसास है इस चीज का? क्या एहसास है? जिठाई से खड़े हुए हो। माफी चाहिए। कानून के आगे मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे बस में हो तो तुम्हारे जैसे इंसान को तो यहां पर सजा दिलवा के जाऊं मैं। लेकिन हमें अपनी अदालतों पे यकीन है, हमें कानून पे यकीन है। तुम जैसे दरिंदों को जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरी अदालत आलिया से हाथ जोड़ के अपील है कि कहीं जैनब का वाकया होता है तो कहीं कोई और मासूम मुकद्दस रौंद दी जाती है। क्यों ऐसे लोग दन बनाते हैं? जैनब दुनिया से चली गई, वो 11 मासूम बच्चियां दुनिया से चली गई, लेकिन मुकद्दस शायद जीते जी जिंदा लाश बन गई सिर्फ इन लोगों की वजह से। ना जाने कितनी और मुकद्दस इन्होंने रोंदी है और इन जैसे कई रोंदते हैं। अगर कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, नए कानून बनाने की जरूरत है, तो मजलिस शूरा मुकन्ना जैसे भी पार्लियामेंट से लेकर हमारे अरबाब इख्तियार से लेकर जहां जहां जो करने की जरूरत है खुदारा कीजिए, और ऐसे घिनौने काम पे, ऐसे घिनौने मकरूह जुर्म की सजाए मौत तजवीज कीजिए, इसको लागू कीजिए। ऐसी मसाले जब रकम होंगी तो उसके बाद कोई और मुकद्दस नहीं रोएगी, किसी और जैनब की मां नहीं तड़पेगी। मैं यही अपील करूंगी अब कानून किस तरह से अगला लायमल अपनाता है, क्योंकि इसके साथ इसके 4 साथी और थे, ये 3